टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्यार से नाराज बाप ने काटा बेटी का गला, उद्धव ठाकरे ने आरएसएस को लिया अड़े हाथ। सड़क पर जलता हुआ डंपर घूमता रहा, लोहबान के गोदाम में कैसे लगी भीषण आग। फिल्मी हस्तियों के घर दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी। ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5 में। मगर सबसे पहले आपको बताते हैं कि अपने ही 17 साल की बेटी का सिर काटकर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचने का मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आया है। बताया जा रहा है कि सर्वेश कुमार अपने 17 साल की बेटी की गर्दन गड़ासे से काटकर इसलिए उसकी हत्या कर दी कि उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी। और ये बात लड़की के पिता सर्वेश कुमार को नागवार गुजरी और गड़ासे से लड़की का सिर काटकर सड़कों पर पैदल हाथ में उसका कटा हुआ सर लेकर ये पुलिस स्टेशन पहुंच गया। रास्ते में जिसने भी ये मंजर देखा वो सहम गया। बहरहाल सर्वेश से पुलिस ने पूछताछ करने के बाद इस पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आरएसएस को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया है और आज देश को भारत माता की जय बोलकर देशभक्ति साबित करना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा में कहा कि हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी सरकार तब कहां चली गई थी जब बाबरी मस्जिद गिरी थी। हम तब भी हिंदू थे और आज भी हिंदू हैं। साथ ही औरंगाबाद का नाम भी हम बदलेंगे, संभाजी नगर रखेंगे और विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने देंगे। शिवसेना जो कहती है वो करती भी। भिवंडी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। कचरों से भरे डंपर में आग लग गई। ये आग डंपर में जो कचरा भरा हुआ था उसमें लगी थी और भिवंडी की सड़कों पर जलते हुए ये डंपर सड़कों पर चलती हुई नजर आई, जिसके बाद एक जगह रोड के किनारे इस डंपर को रोका गया और स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई। इसी तरह से भिवंडी के प्रेरणा कंपाउंड में भीषण आग लग गई। आग एक लोहबान के गोदाम में लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से काफी नुकसान हुआ है, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, मगर आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है। आयकर विभाग ने बुधवार को फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, विकास बहल, अभिनेत्री तापसी पन्नू और प्रोड्यूसर मधु मंटेना सहित कई फिल्मी हस्तियों के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है। इतना ही नहीं, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आयकर विभाग के अधिकारियों ने पूछताछ भी की है। आयकर विभाग फैंटम फिल्म से जुड़े हुए लोगों की जांच कर रही है। फैंटम फिल्म्स पर आरोप है कि उसने टैक्स की चोरी की। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।